हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अथर्व बी ब्लॉग में। और बस यही है गाइस कि मतलब मैंने आपसे बोला था कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि 4-5 दिनों से जो माइंड बिल्कुल पजल्ड है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ, तो वो रेसिपी मैंने शेयर नहीं करा आपसे। उसके लिए सॉरी। और अभी मम्मी से मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई तो बहुत वीक लग रही हैं वो, लेकिन यही है कि डॉक्टर को उनकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई है, तो उसका अब इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। एक्चुअली उनकी बॉडी में सोडियम की कमी हो गई है और बाकी सारी रिपोर्ट्स तो उनके नॉर्मल आए हैं, सही आए हैं। और अभी भाई है वहाँ पे और फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे मम्मी हैं वहाँ पे चाची, छोटी चाची और चाचा जी भी हैं मेरे, तो वो लोग भी टेक केयर कर रहे हैं। बट यही है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है बुरा, और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। जाने के लिए भी हमने जब टिकट कराना चाहा तो ट्रेन भी कैंसिल हो गई थी। आज इवन हस्बैंड ने छुट्टी भी ले रखी थी कि अब हम 3 दिन की छुट्टी लेके मैं तुम्हें छोड़ के ही आऊँगा, क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। वो भी परेशान हो गए थे देख के कि मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। बट चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो एक रेसिपी जो है वो शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो थोड़ा मेरा माइंड भी चेंज हो जाएगा और अच्छा लगेगा थोड़ा। ये देखिए क्या कर रहा है ये तो ये घर में, लो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, तो ये एक घर सेकेंड में हमें बात मत करो थोड़ा। ओ जिम का सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड और ये हस्बैंड ही करते हैं मोस्टली, जब भी उनको टाइम मिलता है, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो जब टाइम मिलता है वो कर लेते आप हैं। बोलो, क्या बोलते हैं। तो बस यही था कि अपनी परेशानियों से अगर हम निकल सकते हैं, कोशिश करें तो सब कुछ सही हो सकता है। तो बस यही है कि एक ट्रस्ट है जिसके भरोसे हम हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपनी हो गई बातें। और सो गाइस, हो अभी मस्त डंबल मारे मैंने, 50, दोनों हाथों से 50 50 मारे, मतलब टोटल 100 डंबल मारे। और मैं आपको अगर डंबल दिखाऊं तो देखो भाई, इसका साइज ये देखो। इस डंबल को मैंने 50 बार ऐसे ऐसे किया जैसा अभी आप देख रहे थे, लेकिन मम्मी अभी ने इसका पकड़ा कल पकड़ा पता के चलेगा रखा कि है। क्या कल उठेगा ही नहीं। तो चलिए, मैं आपसे जो बातें करना चाह रही थी वो तो मैंने कर ली। अब मैं आपके साथ एक जो डिश उस शेयर करूँगी वो बिल्कुल ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और एक्चुअली ये अभी तो हस्बैंड का डिनर हो गया क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, और ये अथर्व के लिए बनाया है, अथर्व के लिए बनाया है, अब इसको पसंद है तो फिर मैं चाहती हूँ। और गाइज़, ये आप जो रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी आप अपने घर में इसे बनाइए, क्योंकि ये इतना हेल्दी है, इसमें सारे मतलब बहुत अच्छा है ये। आप इसे लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ऑयल यूज़ होता है ना इसे डीप फ्राई करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करूँगी मैं इसमें। और ये स्टीम्ड हुआ है होगा और ये टेस्टी भी बहुत लगता है खाने में और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए उसकी प्रिपरेशन मैंने आधी आधी क्या, बस मैंने हस्बैंड के लिए अलग बनाया था डिनर, तो वो तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, मतलब नाइट शिफ्ट है आज उनकी तो ऑफिस गए। और फिर मैं फिर अब मैं हम अपने लिए मैंने सोचा चलिए बनाऊँ, क्योंकि ये वाला जो डिश था मैं आपसे उस दिन ही शेयर करने वाली थी जिस दिन मैंने बताया था कि उस दिन भी शेयर करूँगी, तो लेकिन फिर बाद में मैं कर नहीं पाई क्योंकि फिर वही मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी कि मन नहीं हो रहा था करने का बिल्कुल भी, तो इस वजह से मैंने किया नहीं उसको। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ उस रेसिपी को। तो चलिए उस रेसिपी को शेयर करने के लिए सबसे पहले किचन में चलते हैं, तो किचन में चलते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे तब तक के लिए। तो गैस, मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद जो इसमें मतलब जो इसमें आइटम जाने हैं उसके लिए मैंने ये
दाल को भिगो के रखा हुआ है। इसमें मैंने चने की दाल और जो वो क्या बोलते हैं उसको, मसूर की दाल जो होती है वो मैंने सोख करके रखा हुआ था। अब मैं इसमें इसको मैं पीस लूँगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने हरी मिर्च और लहसुन डाला है, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा ऐड ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको दाल और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाना है। आप नमक, इसमें नमक भी डालना होता है, तो इसका जो फिलिंग है, फिलिंग सिर्फ यही है, इसी को फिल करके हम स्टीम करेंगे जो भी आइटम मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली इसको जैसे हम मोमो बनाते हैं ना वैसे ही बनता है, बट मोमो क्या होता है हम मैदे से बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन इसको हम आटा ही आटा में बनाएंगे, उसका जो शेप है थोड़ा अलग है। यूपी में इसको फर्रा बोलते हैं, जिसे कई कई जगह पे इसे फर्रा बोलते हैं, बिहार में इसको पिट्ठा बोलते हैं और दाल पीठा करके बोलते हैं, और यूपी में इसको फर्रा बोलते हैं। तो जैसा इस डिश का नाम है, अगर आपका मन कर रहा है कि इसका कोई और नामकरण कर सके तो आप अपने तरीके से कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, बट यूपी में इसे फर्रा बोलते हैं। और कई कई जगह पे इसको बहुत फनी नेम है उसका, उल्टा बोलते हैं। जैसे मेरे ससुराल में बनारस की साइड में इसे उल्टा बोलते हैं, इस डिश का ही नाम उल्टा है, समझ रहे हैं आप लोग, इसको उल्टा बोलते हैं। कई कई जगह यूपी में इसे फर्रा भी बोलते हैं और कई जगहों पे इसे पिठा भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपका अगर मन कर रहा है इसका नाम दूसरा नामकरण करने का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें चीज़ें क्या क्या जानी है। इसमें दाल जाएगा और हरी मिर्च और लहसुन, तो इसको मैं क्या करूँगी, पहले पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। तो पेस्ट बनाने के लिए ये दाल गया इसमें, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा ग्राइंड करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप। तो गाइस जो मैंने अभी पेस्ट बनाया था वो इस तरह से पिस चुका है, और जब आप ये पीसोगे ना तो इसकी जो स्मेल आएगी उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना टेस्टी लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो लहसुन का जो वो क्या बताऊँ खुशबू जो आ रही है लहसुन की वो अमेजिंग है, बहुत टेस्टी होने वाला है ये। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई ले लिया है मैंने, ठीक है, ये मैंने ले लिया है कढ़ाई, और फिर मैं इसमें अब मैं वाटर को डालूँगी, उसको गर्म करूँगी, ठीक है। ये पानी भर के मैं रख लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पानी बहुत पीते हैं हम लोग, तो बार बार वो निकालने से अच्छा है एक बार रख लो। तो गाइस मैंने ये वाटर डाल दिया है इसमें, अब इसको मैं गरम करूंगी, इसमें डालूंगी थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी, ये गया इसमें थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें ताकि जो इसमें जो थोड़ा सा चिकनापन आ जाए, ठीक है, इस वजह से मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी। अभी इसमें उबलने के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद अब क्या करना है हमें, अब लेना है हमें आटा, नॉर्मल आटा गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आटा हमें गूंदना है, जो कि मैंने ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ है, ऑलरेडी ये आटा बना के मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने डिनर में अलग चीज़ें बनाई थी, रोटी बनाई थी मैंने और वेजिटेबल्स बनाए थे, तो चलिए वो तो अलग चीज़ है। बट अब क्या करना होता है, अब हमें इसमें ये पानी को पहले बहुत अच्छे से गर्म करना होता है, ओके। तो अब ये मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, अब मैं रोटी जो इसमें फिल करना है वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको फिल करना है, ओके। नॉर्मल जैसे आप आटा लेते हो रोटी बनाने के लिए वैसे ही ले लीजिए, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं, और आप इसको बेल लीजिए। इसको सबसे ज्यादा जिस
शेप में बनता है उसमें आपको ध्यान रखना है, आपने इतनी इतनी छोटी रोटी बनानी है। ओके, उसके बाद अब फिल करेंगे हम वन स्पून इसका जो मिक्सचर है वो लेंगे। ठीक है, ये लिया और मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने रोटी बनाई है ये वाली, इस पर हमें ऐसे स्प्रेड कर देना है। ओके, इस टाइप से ऐसे ऐसे स्प्रेड करके अब हम इसे क्या कर देंगे, पूरी तरह से इसको ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे, इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। ओके, अब ये क्या होगा, इसको ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि जो मिक्सचर है इसका वो आगे तक आ जाए। ठीक है, मेरे को इतना अच्छा जो है वो शेप नहीं दे पा रही हूँ, बट यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी लगेगा ये। आपको ऐसे ही शेप करके रख देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, ठीक है, अब इसको ऐसे रख के इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं ताकि जो इसका जो मिक्सचर है इसका वो चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए अच्छे से। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा आटा है वो मैं ऐसे कट करके निकाल लूँगी, आप चाहे तो ना भी निकालने की कोशिश करिए। तो ये हो गया, इस टाइप का ये बनता है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऐसे। अब क्या करना है, इसको ये ऐसे बना के जितना भी आप बनाना चाहते बनाइए, और इसको इसमें जो वाटर उबल रहा है पानी उसमें आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे आप मोमो को स्टीम करते हैं वैसे ही आपको स्टीम करना है, बट मोमो को हम क्या करते हैं वो स्टीम करते हैं, इसको भी वैसे ही करना है। तो आपको मीठी में घी देनी है। हेलो गाइस, फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। तो अभी जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, जो बन के ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको कट करना होगा इसको। आप इसको कट कर लीजिए पीसेस, आप इसको फ्राई करके भी बहुत अच्छा लगेगा खाते समय। आपको ऐसे पीसेस में आप इसको कट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बटर डाल लीजिए, क्योंकि मैं इसे फ्राई करके नहीं खाऊंगी इसलिए मैं आपको स्टेप बता देती हूँ ताकि आप आराम से बना सकें। एक पैन में बटर को मेल्ट कर लीजिए, उसमें राई और उसमें डालिए करी पत्ता। ठीक है, और हरी मिर्च काट के डाल दीजिए उसमें, उसको भून लीजिए, तड़का लगा दीजिए उसका। उसके बाद से इसको उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दीजिए उसको, फिर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो आप ये चाहें तो इवनिंग में टी के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और बच्चे अच्छे से खाएंगे इसको, क्योंकि इसमें दाल भी गई है और मतलब मल्टीग्रेन है ये, आप लगा लो। ठीक है ना, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को, और बहुत टेस्टी भी लगता है। ऐसा नहीं है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, बहुत टेस्टी लगता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे। हाँ, एक चीज़ और शेयर करूँगी, कहना चाहूँगी, जब भी आप बनाइए इसको, तो जब आप इसको बॉयल करते हैं, इसको जब वाटर बॉयल होता है तभी आपको उसमें डाल देना है। ठीक है, और फिर इसको आप इसको स्पून से जैसे हम केक को चेक करते हैं ना कि स्पून बाहर आता है तो उसमें आटा लग रहा है या कोई भी केक का मटेरियल, वैसे ही चेक करना है आपको, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बन चुका है। तो गाइस, आज की रेसिपी यही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है, ना ही इसमें ऑयल का यूज़ है ना ही कुछ भी है, तो ये आराम से आप अपने खा सकते हैं, डाइट चार्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो क्योंकि काफ़ी हेल्दी है ये। और बाकी कल की जो रेसिपी है या कल का जो वीडियो भी देखूँगी, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो गाइस, तब तक के लिए मैं ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एक सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाता है हमारे उसमें सब्सक्राइबर जो की जो लिस्ट है उसमें एक भी अगर ऐड ऑन हो जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। बाकी मेरा मूड थोड़ा अपना लाइट करने के लिए मैंने ये रेसिपी शेयर करी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। और आप यकीन मानिए, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है,
अब मैं उनको उनसे कहना चाहूँगी कि जेकरा लोगों के ये रेसिपी पहले से पता बा वो हमरा के जरूर कमेंट करके बताएं कि एकरा में का कमी रह गई बा और हमरा के का में इम्प्रूव करे के चाहिए, काहे कि हम फर्स्ट टाइम बनेले बानी। हालांकि आप लोग के जिनकरा के पता हुई उनके पता बा कि ये शेप उतना अच्छा नहीं आए पर स्वाद बहुत अच्छा बा एकर, तो आप लोग कमेंट करके बताएं और आपन आशीर्वाद जरूर बनाए रखी जा और हमारे चैनल के जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करी और आप लोग के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर से ज़रूर। और आई होप कि कल अगर मैं वीडियो अगर लेके आऊँ तो बहुत खुशी से लेके आऊँ और मुझे पता चले मेरी मम्मी एकदम ठीक हो रही है धीरे 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 धीरे। तो गाइज प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा और बहुत जल्दी मैं उनसे मिलने भी जाने वाली हूँ, तो बस यही प्रेयर कीजिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी और ठीक होकर घर आ जाए। बाकी ऐसी मैं वीडियोस डालती रहूँ, खुशी खुशी डालूँ, मूड मतलब ख़राब होके ना डालूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरी जो मैं कहना चाह रही थी वो आप लोगों से मैंने शेयर किया, थोड़ा मूड डाइवर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है। तो प्लीज़ आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। और मैंने तो अभी अथर्व को डिनर कराना है तो अब मैं चलती हूँ डिनर कराती हूँ, तो मिलती हूँ तब तक के लिए।